हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह व्यापी शिविर का शुभारंभ गुरुवार 22 सितंबर को किया गया। 599 रुपए के इस पैकेज के तहत शिविर के प्रथम 3 दिवस गुरुवार से 24 सितंबर तक रोगियों की जांच की जाएगी। 25 से 27 सितंबर तक चिकित्सकीय परामर्श दिए जाएंगे। जिन मरीजों को किसी प्रोसीजर की जरूरत होगी उनका प्रोसीजर 28 सितंबर को किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। सप्ताह व्यापी शिविर की जानकारी हाईटेक अस्पताल प्रबंधन द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। लोगों तक पहुंचाना था। नॉर्मली हार्ट के सारे बीमारियों के इलाज का खर्चा काफी होता है, बट हम लोगों ने एक सामाजिक पहल कोशिश की है कि सब जनता को इसका सुविधा मिले। तो जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, जो हार्ट डिजीज के इंडिकेटर्स माने जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर का होना, ECG अगर नॉर्मल हो उसका डिटेक्शन, लिपिड प्रोफाइल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है कि भविष्य में इसको बीमारी हो सकती है नहीं, उसके साथ साथ हार्ट के साथ कुछ लोगों को किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट और अल्टीमेटली जो है डॉक्टर का परामर्श जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन टेस्ट की वैल्यू बिना परामर्श के कोई मतलब नहीं रहता। तो इस सारे टेस्ट को हमने कंबाइन करके एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मात्र 599 रुपए में सारे टेस्ट संभव हैं, इसका हम लोगों ने आयोजन किया है, जो कि 22 से 24 सितंबर तक इसका डेट फिक्स किया है। तो जो भी पेशेंट्स अपने बारे में किसी को शंका हो या टेस्ट कराना चाहें, वो इस तारीख को आके अपने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन इस पैकेज में करवाएंगे। ये जो वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस और इसकी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली भी देखें तो हिंदुस्तान में जो चल रहा है कि हार्ट डिजीज की जो रफ्तार है बढ़ने की, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम लोग एक अनुमान है कि 2030 तक हम लोग नंबर वन होंगे हार्ट डिजीज में पूरे दुनिया में। सबसे ज़्यादा कार्डियक पेशेंट भारत में ही मिलने वाले हैं। 2030 तक हम सारे देशों को पीछा छोड़ देंगे, ये अनुमान है। जयदेवा हार्ट इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये पिछले साल का अनुमान है। हमारे यहाँ विसंगति यह है कि इलाज जैसा भी हमारी चर्चा हुई, सारे खर्चीले हैं। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो बाकी देशों की तुलना में कम है।